पस्त सरकार पस्त। नमस्कार, एच एस बिहार देख रहे हैं आप, प्रिया सिन्हा आपके साथ है। पुल निर्माण के कार्य हर जगह पर शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे जगहों पर उद्घाटन का काम भी शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने ही बहुत जगहों पर उद्घाटन किया। पिछले कुछ बीते दिनों में हमने बहुत सारी खबरें सुनी कि यहाँ वहाँ पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। अब किशनगंज का एक मामला सामने आया है जहाँ पर कनहाई नदी के पास उद्घाटन के पहले ही एक पुल जो है वो टूट गया, ध्वस्त हो गया और पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। इस तरीके से यह पता चलता है कि करप्शन जो है वो किस लेवल पे चल रहा है। पुल निर्माण करने में कितना करप्शन इन्वॉल्व होता है और कितने घोटाले होते हैं, यह साफ तौर से दिखाई दे रहा है। उस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ था, यानी कि उस पुल का निर्माण अभी खत्म ही हुआ था, उद्घाटन होने ही वाला था, पुल पहले ही बह गया। वहां के गांव वालों का यह कहना है कि पुल ध्वस्त होने का कारण सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। जब करोड़ों रुपए की वो पुल बनने की बात होती है, लागत जो होता है वो करोड़ों रुपए का होता है, तो कैसे वो पुल ध्वस्त हो जाता है? मतलब जो सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं वो बहुत ही लो लेवल के किए जाते हैं, लो ब्रांड के किए जाते हैं, और यही रीजन होता है कि पहले ही ध्वस्त हो जाता है। कनकई रिवर में जो है उस पानी का लेवल बढ़ गया था और उसके बाद पुल बह गया, और इस तरीके से सरकार की नाकामी साफ तौर से दिखाई देती है। आपके भाई बीरेंद्र इस पर क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या बातें रखी है और सरकार पर क्या सवाल उठाए हैं? पुल का आधा हिस्सा बह गया और सच्चाई कलई खुल गई सरकार की। सरकार रोज कहती थी कि अप्रोच गया है, अप्रोच पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आप बताओ, सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नंद किशोर यादव बतावें ये पुल कैसे दह गया, टूट गया, कैसे टूट गया, किन कारणों से टूट गया। अब मुख्यमंत्री उन विधायकों यदि वो मंत्री पर और विभागीय लोगों पर केस करें और बर्खास्त करें माननीय मंत्री जी को। ये लोग रिश्वत लेकर और भ्रष्टाचार का एकदम गंगोत्री बहा रहे हैं, इसलिए अगर इसमें अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि आप धृतराष्ट्र की तरह अपने मंत्रियों को बचाना चाहते हैं और आप भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं, आप भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। तो आपने सुना कि भाई वीरेंद्र क्या कुछ कहा उन्होंने और सरकार पर किस तरीके से निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार की ये सब नाकामी विपक्ष के लोगों को मजबूर कर रही है उन पर निशाना साधने को। आपको हम अगले खबर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। एचएस बिहार की लगातार रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो से जुड़ने के लिए।